फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ अमेजिंग इंस्टाग्राम स्टोरीज आइडिया के बारे में, जो कि क्रिसमस से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ रेगुलर लेके आते रहती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोटो एक क्लिक कर लेनी है, कोई भी कलर आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने रेड कर लिया है फोटो क्लिक करने के बाद। अब यहाँ मैं अपनी एक फोटो या फिर किसी की भी फोटो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैरी लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। मैरी का फॉन्ट मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है, मुझे ये वाला फॉन्ट सही लग रहा था। मैरी के नीचे मैंने क्रिसमस लिख लिया हुआ है, आप इसी तरह से लिख सकते हो। इसके बाद आपको जाना है GIF में। GIF में जाने के बाद आपको यहाँ पे व्हाइट लीफ सर्च करना है। यहाँ पे आपको अमेजिंग व्हाइट लीफ्स मिल जाएंगे। व्हाइट लीफ एक अलग लुक देता है स्टोरी में, इसलिए मैंने इसे ऊपर नीचे दोनों साइड लगा दिया है और ये बहुत शानदार दिखने वाला है। GIF में फिर से जाना है और मैरी क्रिसमस में सर्च करोगे तो आपको एक बेल मिल जाएगा, वो बेल लगा लेना है साइड में। और मैरी क्रिसमस डेकोरेशन सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का आपको जो डेकोरेटिंग करने वाली चीज़ें हैं मिल जाएंगी और आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी बनके रेडी हो जाएगी। सेकंड इंस्टाग्राम स्टोरी में भी सेम ऐसी फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी कोई भी फोटो ले सकते हो, दो फोटो लेना है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है मैरी। मैरी का फॉन्ट आप देख सकते हो किस तरह से मैंने लिया है, इसको थोड़ा इंक्रीज करके साइड में कुछ इस तरह से लगा सकते हो मैरी को, और फोटो को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लो। अब मैं यहाँ एक पॉइंट लेके इसका बॉक्स बना दूंगी ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का बॉक्स बनाने के बाद इस बहुत पतला सा बॉक्स बनाना, जो कि मैरी के ऊपर कुछ इस तरह से लगेगा। अब क्रिसमस लिख लूँगी। क्रिसमस का भी फॉन्ट जो मैरी का फॉन्ट है ये वाला यूज़ करना, और सब में स्पेस ज़रूर देना है। CHRI सब के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब GIF में जाना और वाइट लीफ सर्च कर लेना, क्रिसमस के बगल में कुछ इस तरह से लीफ लगा लेना, और GIF में जाके डेकोरेशन सर्च करके कुछ इस तरह से जगमगाते हुए तारे थोड़े इधर उधर लगा सकते हो। और मैरी क्रिसमस तो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैरी क्रिसमस का स्टोरी आइडिया है, तो इस तरह का आपका स्टोरी आइडिया बनके रेडी हो जाने वाला है। तीसरे में फिर से फोटो क्लिक कर सकते हो, कोई सा भी कलर सेलेक्ट लो। मैं रेड कलर ले रही हूँ, यहाँ पे रेड कलर ज़्यादा सही लगेगा। और एक वाइट कलर का बॉक्स बना लेती हूँ। ये बॉक्स को मैं थोड़ा इंक्रीज करके कुछ इस तरह से टिल्ट करके लगा दूंगी, यानी हाफ रेड और हाफ वाइट आपका दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक अपनी फ़ोटो, मतलब मेरी नहीं है बट आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन क्रिएट करना है। इस तरह से आप दो लाइन क्रिएट कर सकते हो, जो एक फ़ोटो के नीचे होगी और एक फ़ोटो के साइड में होगी। कुछ इस तरह से आपका जो है आप लगा सकते हो। इसके बाद आपको जाना है स्टिकर में, GIF में, और वहाँ सर्च करना है स्नो। स्नो लगा दोगे इस तरह से वीडियो में तो ये थोड़ा सा अमेजिंग लुक क्रिएट करेगा। इसके बाद आपको GIF में जाके ही क्रिसमस सर्च कर लेना है, ठीक है। क्रिसमस जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अमेजिंग इंस्टाग्राम के GIF मिल जाएंगे, जिसमें कुछ इस तरह का लीफ मिल जाएगा, तो ये लीफ को आप साइड साइड में लगा सकते हो। अभी से ही ये अमेजिंग लुक दे रहा है, देख ही सकते हो। अब यहाँ पर मैरी क्रिसमस सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मैरी क्रिसमस लिखना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ अमेजिंग सा एक मैरी क्रिसमस मुझे मिल गया था, तो मैंने यहाँ लगा दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम क्रिसमस डे लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको बहुत सारी GIF अमेजिंग से मिल जाएंगे, जिसमें मुझे ये वाला मिलता है, और ये हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी बनके रेडी हो गया। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा इंस्टाग्राम स्टोरी सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा, और मैरी क्रिसमस लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। थैंक यू।